बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। JF-17 थंडर की पहली परवाज से लेकर अब तक आए रोज भारतीयों की जानिब से इस लड़ाका त्यारे के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपोगंडा किया जाता है और कहा जाता है कि ये लड़ाका त्यारा एक नाकाम लड़ाका त्यारा है, क्योंकि अगर ये लड़ाका त्यारा इतना ही काबिल है तो चाइनीज एयरफोर्स के अंदर इस लड़ाका त्यारे को शामिल क्यूँ नहीं किया गया। लेकिन भारतीयों की जानिब से जितना भी इस लड़ाका त्यारे के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है उसके पीछे कोई भी दलील मौजूद नहीं होती। रहेगी बात JF-17 थंडर को चाइनीज एयरफोर्स में क्यों शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे की वजूहात मैं आपको बता देता हूं। JF-17 थंडर लड़ाका त्यारे को स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर किया गया। इस लड़ाका त्यारे में जितना भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया वो सारा का सारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद सिलेक्ट किया है। चाइना का इसमें कोई भी अमल दखल मौजूद नहीं है। चाइना बस हमें इस लड़ाका त्यारे के लिए कोई इक्विपमेंट सजेस्ट कर सकता है, हमें फोर्स नहीं कर सकता की आप इसी इक्विपमेंट को इस लड़ाका त्यारे के अंदर शामिल करें। इसकी आसान सी मिसाल कुछ इस तरह कि आप एक चीज मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं लेकिन उसको बनाने के लिए आपके पास प्लांट मौजूद नहीं है, लेकिन आपको वो चीज चाहिए भी लाजमी, तो फिर आप ये करेंगे कि किसी खराद वाले के पास जाएंगे और वहां पर जाकर अपना डिजाइन और अपनी रिक्वायरमेंट्स उस खरादियों को बताएंगे। वो आपकी सारी बात सुनेगा और आपके डिजाइन के मुताबिक आपको एक चीज मैन्युफैक्चर करके दे देगा। उस खराद वाले का काम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को मैन्युफैक्चर करना है, उसको इस्तेमाल करना नहीं है। आगे उसकी मर्जी है, अगर उसको भी उस चीज की जरूरत है तो वो अपने लिए भी उसको मैन्युफैक्चर कर ले। चाइनीज एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स पर अगर आप एक नजर डालें तो आपको यही पता चलता है कि चाइनीज एयरफोर्स को कोई भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रेंज लिमिटेड होती है। चाइना ने अगर अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए उसको कम से कम मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट चाहिए होगा। इसीलिए चाइनीज एयरफोर्स में जितने भी फाइटर जेट्स इस वक्त मौजूद है वो या तो मीडियम कैटेगरी के हैं या फिर हैवी कैटेगरी के हैं। चाइनीज एयरफोर्स इस वक्त कोई भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं इस्तेमाल करती, तो जब आपकी रिक्वायरमेंट्स एक चीज पूरा नहीं कर सकती तो आप फिर उसको क्यों इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भारतीय इस बात को नहीं समझेंगे, इसलिए मैं भारतीय एयरफोर्स की मिसाल ही भारतीयों को दे देता हूँ। भारत की अगर हम वार डॉक्ट्राइन पर एक नजर डालें तो हमें यही पता चलता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है और भारतीय एयरफोर्स ने जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़नी है के अमेरिका के। इसलिए भारत ने अपनी एयरफोर्स को जो शक्ल दी है उसके अंदर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल है और मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट भी शामिल है और हैवी कैटेगरी के भी एयरक्राफ्ट शामिल हैं, ताकि बॉर्डर के नजदीक जो पाकिस्तान के एरियाज हैं उसके अंदर भारत अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जरिए स्ट्राइक्स कर सके, और जो बॉर्डर से काफी ज्यादा दूर पाकिस्तान के इलाके हैं उसके अंदर भारत अपने हैवी वेट फाइटर जेट्स के जरिए स्ट्राइक कर सके। इसलिए भारतीय एयरफोर्स के अंदर हमें तीनों कैटेगरी के फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं। वहीं पाकिस्तान का मेन टारगेट भारत का शहर दिल्ली है और दिल्ली तक हमारे तमाम के तमाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जा सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने कभी भी हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट हासिल नहीं किया, यानी जिसकी जो जरूरत है उसने उसको मद्देनजर रखकर असला खरीदा। वहीं अगर पाकिस्तान का एरिया काफी ज्यादा बड़ा होता तो भारत कभी भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ना तो खरीदता ना ही बनाता, उसकी जगह पर मीडियम कैटेगरी या हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट खरीदता या उनको मैन्युफैक्चर करता। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि चाइना का जितना बड़ा एरिया है उसको कोई भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर आप लोग JF-17 थंडर फाइटर जेट को एक नकारा फाइटर जेट कहते हैं तो आप कहते रहें और अपने दिल को खुश करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ अपने तेजस की एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि वो फाइटर जेट जब से बना है अभी तक उसको किसी भी बैनुल अक्वामी मुल्क ने नहीं खरीदा। इसलिए JF-17 थंडर के खिलाफ प्रोपेगेंडा से ज्यादा आप अपने तेजस की एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करें, ताकि ये लड़ाका त्यारा बिके और आपको इसका कोई फायदा मिल सके। JF-17 थंडर कबाड़ के टुकड़े की क्या औकात है ये आपको जंग के दौरान पता चल जाएगी। अगर ये लड़ाका त्यारा एक जंग फाइटर जेट हुआ तो उससे हमें नुकसान होगा, आपका उल्टा फायदा होगा। आपको तो JF-17 थंडर के हक में दुआएं करनी चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स सारा का सारा फोकस अपने JF-17 थंडर के ऊपर रखे, ताकि जंग के दौरान आप इन जंग फाइटर जेट्स को आसानी के साथ गिराएं और पाकिस्तान को फतह करें और आप अखंड भारत बासानी बना सकें। लेकिन जाहिल कौम को दलील देना अपने आप को जलील करने के बराबर है, इसलिए आपके सामने जितने मर्जी फैक्ट्स रख दिए जाएं आपका प्रोपोगंडा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जब तक आप प्रोपोगंडा करते रहेंगे मेरी जानिब से आपको आपके प्रोपोगंडे का मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।